बिहार की राजनीति को समझना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को पहचानना, क्योंकि यहाँ पर पुलिस वालों से लेकर स्कूल में शिक्षा देने वाले टीचर तक ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अभी हाल ही में बिहार से कुछ ऐसी खबर सामने आई है जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। टीचरों ने किया ऐसा कांड, सब हुए हैरान। पुलिस वालों के कारनामों से हिल जाएगा दिमाग। सबसे पहली घटना है गोपालगंज की, जहां पर पुलिस वालों का ही कारनामा ऐसा सामने आया जिसने सभी को हिला कर रख दिया और SP ने तगड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बिहार के गोपालगंज में शराब माफियाओं से साठगांठ रखने और गांजा की बरामदगी कर लाखों में बेच दिए जाने के मामले में SP अवधेश दीक्षित ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें ने 3 थानों के थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया है। इसमें जादोपुर, विशंबरपुर और कुचायकोट के थानाध्यक्ष शामिल है। तीनों पर अलग अलग आरोप लगे। SP की इस कार्रवाई से जिले भर के पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जादोपुर थानाध्यक्ष पिंटू कुमार पर गांजा बेचने का आरोप है। थानाध्यक्ष ने कुरियर कंपनी के नाम पर चलने वाली एक वाहन से 250 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। गांजा को जब्त करने के बाद 70 किलोग्राम दिखाया गया, जबकि बाकी गांजा को जादोपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक माफिया के हाथों में बेच दिया गया था। गांजा की बरामदगी होने पर सदर SDPO प्रांजल ने वजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। मामले में माफियाओं पर भी कार्रवाई चल रही है। शराब माफियाओं से साठगांठ। विशंबरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पर शराब माफियाओं से साठगांठ का आरोप है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस अधीक्षक लगातार थाने के कार्यकलाप की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। हाल ही में थाने में पहुंचने पर जांच की गई। शराब तस्करों के बीच साठगांठ रखने के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया गया। वहीं कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार पर भी शराब तस्करों से साठगांठ का आरोप लगा है। बता दें कुचायकोट थाना UP से जुड़ता है, बलथरी चेक पोस्ट भी यहां है, लिहाजा थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस अफसरों के टारगेट पर भी थे। SP अवधेश दीक्षित ने कार्यवाही की जानकारी देते हुए कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 7,099 टीचर कर रहे थे खेल। और अब चलिए टीचरों के उस कारनामे से पर्दा उठाते हैं जो हैरान कर देंगे आपको भी। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की सरकार की कोशिश के बीच वैशाली जिले में शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सूबे में अक्टूबर 2024 से शिक्षकों का वेतन विभागीय पोर्टल e-शिक्षा कोष पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही करने का सरकार के स्तर पर फैसला लिया गया। इस दौरान जिला शिक्षा विभाग की तरफ से 1 से 8 अक्टूबर के बीच e-शिक्षा कोष पर दर्ज उपस्थिति का अवलोकन किया गया। विभागीय स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक आंकड़ों से चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। यहाँ कई शिक्षक सूबे के दानापुर, पटना, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर से पोर्टल पर फर्जी तरीके से अटेंडेंस बना रहे थे। हाजीपुर की एक शिक्षिका की 2 दिन की उपस्थिति हरियाणा के गुरुग्राम से पोर्टल पर अपलोड पाया गया। वहीं भागलपुर के 2 शिक्षकों और पातेपुर प्रखंड के 2 शिक्षकों का पोर्टल पर इन करने से पहले आउट होने का समय अपलोड किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कुमार शशि रंजन ने पत्र जारी कर पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने में पाई गई खामियों को लेकर के 7,099 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कुमार शशि रंजन ने उपस्थिति बनाने में मिली खामियों को लेकर सभी से सो कॉच करते हुए सभी शिक्षकों को प्रखंड शिक्षा कार्यालय के माध्यम से 15 अक्टूबर तक अपना जवाब देने का आदेश जारी किया। शो कॉज का संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले शिक्षकों पर अनुशासित कार्रवाई की तैयारी है। पोर्टल पर ऐसे बनाई जाती है उपस्थिति। स्कूल खुलने का समय बच्चों के लिए सुबह 9 बजे से है। वहीं शिक्षकों को 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचना होता है। शिक्षकों को अपने लॉगिन या प्रधानाध्यापक के मोबाइल में स्कूल लॉगिन माध्यम से विद्यालय प्रांगण में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस दर्ज करने का विकल्प चुनने के बाद सेल्फी फोटो लेकर अपलोड करना होता है। फिर छुट्टी के समय 4:30 पर पोर्टल पर आउट होना होता है। दोनों बार रियल टाइम पोर्टल पर खुद सुरक्षित हो जाता है। प्रावधान किया गया है कि यह मोबाइल ऐप विद्यालय के 500 मीटर की परिधि में ही संचालित किया जा सकता है। विद्यालय से बाहर प्रतिनियुक्ति के समय मार्क ऑन ड्यूटी विकल्प चुनकर प्रक्रिया पूरी की जाती है। विद्यालय आउट नहीं करने वाले शिक्षकों की संख्या 5,275। समय से पहले आउट होने वाले शिक्षकों की संख्या
700। पोर्टल पर सप्ताह के कोई दिन अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या 864। विद्यालय के बाहर उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों की संख्या 260। महिला टीचर का टेक्निकल खेला। इतना ही नहीं, एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले में इस शिक्षा कोर्स ऐप में ही हेराफेरी का मामला सामने आ गया। एक शिक्षिका और प्रधानाध्यापक पर बिना स्कूल आए ऐप के जरिए अटेंडेंस बनाने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग ने जांच के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड के जसौली पट्टी मठ माधव प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका मित्र विंदा कुमारी और प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार सिंह पर ये आरोप लगे हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि शिक्षक बिना स्कूल आए ही ई शिक्षा कोर्स ऐप पर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जांच में पता चला कि शिक्षिका मित्र विंदा कुमारी ने ऐप में छेड़छाड़ कर अपनी हाजिरी दर्ज करा दी थी। उन्होंने कई दिनों तक स्कूल नहीं आने के बावजूद ऐप पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस काम में प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार सिंह ने भी उनकी मदद की। ऐसे हुआ पूरे खेल का खुलासा। 14 सितंबर 2024 को मोतिहारी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि अगस्त के महीने में टीचर मित्र विंदा कुमारी शिक्षिका ने शिक्षा ऐप से छेड़छाड़ कर गलत तरीके से अटेंडेंस बना ली है। यही नहीं, एक कई दिनों तक तो स्कूल भी नहीं आई और उन दिनों की अटेंडेंस भी आरोपी टीचर ने बना ली है। जांच रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन अटेंडेंस कराने में स्कूल के प्रधान टीचर निरंजन सिंह की भी संलिप्तता और भूमिका है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। दोनों आरोपियों पर शिक्षक आचरण के प्रतिकूल कार्य करने, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता बरतने और विभाग के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। डीपीओ ने दिए कार्रवाई के आदेश। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक पूर्वी चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने ग्राम पंचायत शिक्षक नियोजन समिति जसौली पट्टी प्रखंड कोटवा के पंचायत सचिव को पत्र लिखकर दोनों को सस्पेंड करने का आदेश दिया। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी भौचक्के रह गए। पुलिस विभाग के राजा ने किया खेला। दूसरी तरफ एक जिम्मेदार अधिकारी का ऐसा कांड सामने आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य में पुलिस विभाग का मुखिया यानी राजा कौन होता है तो आपका जवाब होगा डीजीपी, यानी कि जिसे हिंदी में पुलिस महानिदेशक और इंग्लिश में डीजीपी कहा जाता है। किसी राज्य में पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अफसर डीजीपी ही होता है। लेकिन अगर इस ओहदे पर बैठा अधिकारी ही बड़ा खेल कर दे तो क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार में। कभी बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रहे इसके सिंघल ने भी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ऐसा खेल किया है जिसके बाद वह शिकंजे में आ गए हैं। हाँ, ये जानते हैं कि इसके सिंघल किस बैच के आईपीएस हैं और पुलिस सेवा में आने से पहले उन्होंने कहां से पढ़ाई लिखाई की। तो आपको बता दें कि एसके सिंघल का पूरा नाम है संजीव कुमार सिंघल। सिंघल साहब की कहानी शुरू होती है पंजाब से। एसके सिंघल पंजाब के जालंधर छावनी के रहने वाले हैं। उनके पिता सत्य प्रकाश सिंघल टीचर थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई जालंधर से ही हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन भी जालंधर के डीएवी कॉलेज से किया। सिंघल साहब पढ़ाई में भी तेज तर्रार थे। आलम यह रहा कि मैथ्स ऑनर्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला। यही नहीं, जब उन्होंने मैथ्स में ही चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यहां भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल की। इसके बाद उन्होंने पंजाब में ही खालसा वुमेन्स कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। एसके सिंघल ने इसके बाद सिविल सर्विसेज का रुख किया। सिंघल ने यहां भी झंडा बुलंद किया। वर्ष 1987 में वह यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, लेकिन उन्हें आईएफएस सेवा के लिए चुना गया। उन्होंने अगले साल फिर से यूपीएससी दी और आखिरकार साल 1988 में वह आईपीएस अफसर बन गए। सिंघल को बिहार कैडर का आईपीएस बनाया गया। तब से वह बिहार पुलिस के अधिकारी होकर रह गए। उन्होंने पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से एमबीए भी किया है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में डॉक्टरेट भी किया हुआ है। कहां कहां रही है पोस्टिंग। बिहार पुलिस में आने के बाद एसके सिंघल दानापुर के एसएसपी रहे। उसके बाद नालंदा, सिवान, कैमूर, रोहतास और भोजपुर आदि जिलों में भी एसपी के पद पर कार्य किया। वर्ष 2005 में उनका प्रमोशन डीआईजी के रूप में हो गया और डीआईजी प्रशासन बन गए। वह केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे। साल 2020 में जब बिहार के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया, उस समय नीतीश कुमार ने एसके सिंघल को डीजीपी की कमान सौंप दी। बाद में उन्हें पूरी तरह से डीजीपी बना दिया गया। डीजीपी बनने से पहले वह पुलिस विभाग में होमगार्ड के निदेशक के पद पर थे। वह गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं के महानिदेशक के पद पर भी रहे। डीजीपी के पद से वह 19 दिसंबर 2022 को रिटायर हो गए, जिसके बाद उन्हें 3 साल के लिए
14 जनवरी 2023 को बिहार के सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल यानी कि CSBC का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के कारण उन्हें दिसंबर 2023 में हटा भी दिया गया। अब लगा कमीशन का आरोप। बिहार में एक आर्थिक अपराध इकाई जिसे EOU भी कहा जाता है, वह सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। EOU ने अब इस मामले में राज्य के पूर्व DGP और CBSE के चेयरमैन रहे SK सिंगल को दोषी माना है। EOU ने काफी समय से पेपर लीक मामले की जांच कर रही थी, जिसके बाद सिंगल को दोषी पाया गया है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। EOU की ओर से सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें अस्पष्टतन रूप से कहा गया है कि बिहार के पूर्व DGP और सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल यानी कि CSBC सिपाही भर्ती के तत्कालीन चेयरमैन SK सिंगल ने पेपर लीक कराने को लेकर कमीशन के रूप में मोटी रकम ली। आरोप है कि SK सिंगल ने पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिक से कमीशन लिया। जांच में यह भी बात सामने आई है कि SK सिंगल ने वेरिफिकेशन के लिए बिना ही पेपर छपाई का ठेका दे दिया। इसके लिए लाखों करोड़ों का खेल किया गया। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसको सुनकर आपका भी दिमाग हिल गया होगा, लेकिन ऐसे और ना जाने कितने मामले हैं जो सामने भी नहीं आ पाते और खेल हो जाता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल फिर इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV बिहार। नमस्कार।